नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। तो भारी बारिश एक बार फिर से लोगों की परेशानी बढ़ाने वाली है और पिछले कई दिनों से उत्तराखंड के कई जिलों से कुदरत के गुस्से की तस्वीरें भी सामने आ रही है। मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश का प्रकोप दिख सकता है और मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार समेत प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मतलब साफ है कि आने वाले कुछ दिनों में देवभूमि के कई जिलों के लिए मुसीबत भरे हो सकते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। कुदरत की तबाही थमी नहीं है, पहाड़ों पर आफत अभी रुकी नहीं है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों पर एक बार फिर से आफत का अलर्ट जारी हो चुका है। भारी बारिश एक बार फिर से लोगों की परेशानी बढ़ाने जा रही है। पिछले कई दिनों से उत्तराखंड के कई जिलों से कुदरत के गुस्से की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जोशीमठ में देर रात भारी बारिश के बाद जगह जगह नुकसान की खबरें सामने आ रही है। थैंग गाँव में बादल फटने के बाद खेत खलियानों को भारी नुकसान हुआ है, साथ ही गाँव के कई मकान खतरे की जद में आ गए हैं। गांव को जोड़ने वाले रास्ते भी क्षतिग्रस्त हो गए, तो वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी मलबा आने से रास्ता ठप हो चुका है। ये तो भाई साहब कल शाम को हुआ, ये 10-11 बजे उस समय यहाँ पे बच्चे भी यहीं पे रहते थे और ये मकान भी हमारे सामने पे है और ये यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम है और यहीं से हुआ ये कल। ठीक, उसके बाद हम सोए भी नहीं, बच्चे सब बाहर आ गए। उधर टिहरी में धनौल्टी के मरोड़ा गांव में देर रात बारिश के बाद एक मकान की दीवार टूट गई। मकान के मलबे में परिवार के कई लोग दब गए। मलबे में दबने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। और जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे काफी बारिश रात भर से हुई है, काम शाम 6-7 बजे से बता रहे हैं कि काफी भारी बारिश हुई है और उसकी वजह से काफी ज्यादा गदेरे में पानी आया है और फिर ऊपर से जो मलबा है उससे घर की जो दीवार है वो गल गई, जिसकी वजह से इंसिडेंट हुआ है। अब इसको रोकने के लिए और आगे से चीज़ें ना हो, इसके लिए जब समझ डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे कॉल किया गया है और इसमें अन्य भी 2-3 समस्याएं यहाँ पे इस गांव के भी और आसपास के गांव के लोगों ने बताई है, जहाँ पहले भी कभी आपदा आई है और इंसिडेंट्स हुई। चबोली में देर रात से हो रही भारी बारिश जारी है। मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे हाथी पर्वत के पास बंद हो चुका है। हाईवे पर जगह जगह बड़े बड़े पत्थर गिरने से रास्ते बंद है, साथ ही चमोली बद्रीनाथ हाईवे पे छिनका में भी बाधित हुआ है। वही पिथौरागढ़ में पहाड़ियों के दरकने का दौर जारी है। थल मुनसियारी रोड पर हरियाणा में भारी लैंडस्लाइड से मुनसियारी का संपर्क टूट गया है। जिस वक्त हरियाणा में लैंडस्लाइड हुआ, रास्ते पर कई यात्री भी मौजूद थे जिन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं जोशीमठ के सिंहधार वार्ड में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुई है। भूस्खलन होने से कई मकान भी खतरे की जद में आ गए हैं। त्रिहंडी आश्रम के ऊपर लैंडस्लाइड जोन विकसित हो गया है, जिससे पौराणिक आश्रम भी क्षतिग्रस्त हुआ है। वहीं रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड में हुए हादसे के बाद राहत कार्य अभी भी जारी है। गौरीकुंड में 20 लोग की तलाश की जा रही है। 3 लोगों के शव अब तक निकाले जा चुके हैं। हादसे के वक्त मौके पर 23 लोग मौजूद थे। हालांकि लगातार हो रही बारिश की वजह से भी रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। उधर मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश का प्रकोप दिख सकता है। मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार समेत प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मतलब साफ है कि आने वाले कुछ दिनों में देवभूमि के कई जिलों के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उधर उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों में बारिश की वजह से परेशानी भरी तस्वीरें दिख रही हैं, साथ ही कई और राज्यों में भी हालात कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। कुदरत के करवट लेने का असर अब साफ दिखाई दे रहा है और एक बार फिर से सैलाबी संकट का अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में एक बार फिर से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों में अभी भी मॉनसून परेशानी पैदा कर रहा है। जम्मू कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें सामने आई। यहां पहाड़ से बेहद तेजी के साथ पथरीला मलबा सड़क पर ही आ गिरा। हादसे के वक्त मौके पर कई लोग मौजूद थे। हालांकि इस घटना में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। पहाड़ से गिरे मलबे की वजह से सड़क पर चल रहा निर्माण कार्य भी ठप हो गया और सड़क मार्ग भी बंद पड़ गया। ओए ओए ओए, सारा आ गया।
उधर उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश की आफत देखने को मिली है। मौसम के बदलते मिजाज की वजह से हरिद्वार से ऋषिकेश जाने वाला चिल्ला मार्ग बंद कर दिया गया है। भारी बारिश के अलर्ट के बाद प्रशासन सावधानी बरत रहा है, साथ ही नदी का बढ़ता जलस्तर भी अब चिंता की बात बन चुका है। हालांकि कुछ लोग अभी भी रिस्क उठाकर पुलिया पार करते दिखाई दे रहे हैं। जो किसी हादसे की वजह बन सकता है। मौसम इस बीच थोड़ा खराब चल रहा है, काफी बारिश आ रही है, बरसात काफ़ी हो रही है पहाड़ों में भी और प्लेन्स में भी, तो वो मार्ग क्योंकि वहाँ पे नदी उफान में रहती है, तो इसीलिए अपील करते हैं कि जो हमारे यात्री हैं और चालक हैं वो उस मार्ग को ना इस्तेमाल करें। अबे दादा और पड़ा है। उधर मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश के बाद नदियों में तेजी के साथ उफान देखने को मिल रहा है, साथ ही आसपास के इलाकों पर भी खतरा मंडराने लगा है। केन, धसान और सिगड़ी नदियों में जलस्तर तेजी के साथ बढ़ा है और प्रशासन आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर चुका है। जबलपुर और पन्ना अमानगंज तरफ कटनी तरफ बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, इससे केन नदी में बहुत ज्यादा पानी बढ़ गया है और खतरे से निशान से ऊपर है, तो कोई भी पिकनिक स्पॉट पे जाए तो सेल्फी और मोबाइल से वीडियो न बनाए क्योंकि पानी खींच लेगा और जान जोखिम में है। और पुल पुलिये पार ना करें, छोटे रिपटे हैं, सावधानी रखें, आपकी जान बहुत कीमती है। और इधर धसान नदी का भी पानी छूट गया है, तो इस प्रकार सावधानी रखें कि पुल पुलिये ना पार करें। उधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी एक बार फिर से गंगा और यमुना नदियों में उफान देखने को मिल रहा है। हाल ही में दोनों नदियों का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से किनारों के आसपास के इलाकों पर खतरा बढ़ता दिख रहा है। जब बाढ़ आती है तो हम लोग घर में पानी घुसता है, तो थोड़ी अव्यवस्था तो रहती है, उसके बाद जो घटता है तब मच्छर मलेरिया वगैरह गंदगी आने वाला है क्या कुछ? अभी पानी आने की संभावना है। जब गंगा का पानी बढ़ता है तो गंदा पानी जो है बगाड़ा में प्रवेश कर जाता है, नाला नाली का जो पानी है उससे जो है बीमारियां फैलती हैं, स्वास्थ्य संबंधित जो मच्छर है, मलेरिया है, डेंगू का प्रकोप बगाड़ा दारागंज बेल्ट में कई सालों से लगातार बढ़ा। वहीं मेरठ के बाद प्रभावित इलाकों में अब नदियों का पानी कम होने लगा है और प्रभावित गांवों में कुछ जगहों पर पानी कम हुआ है, लेकिन अब इन सभी इलाकों में बीमारी का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि खेतों में अभी भी जल भराव दिख रहा है और ऐसे में बीमारी के फैलने का डर लोगों को सता रहा है। इसके लिए अब स्वास्थ्य विभाग ने भी राहत बचाव की तैयारी शुरू कर दी है। जानवर बहुत परेशान है जी, चारा सब जो भूस है नष्ट हो चुका है और बाकी हरा चारा खेतों में वो भी नष्ट हो चुका है, भूस में पानी घुस गया, पानी घुसने से खत्म हो गया। बात अगर फसलों की करें तो फसल तो सब खत्म है, आप देख रहे हो कुछ भी नहीं है, पानी पानी है। जो बाढ़ आई भी थी उसमें आबादी बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं थी, बट रास्ते कटा हुए थे और खेतों में काफी पानी भरा था, वो धीरे धीरे रिसीव कर रहा है। जहाँ से थोड़ा बहुत बंदा मतलब जो गांव के लोगों ने खुद बनाया था वो भी कटा था, वहाँ पे भी हमने पोकलेन मशीन लगा दी और उसको रिस्टोर करवा रहे हैं क्योंकि लेवल काफी डाउन हो गया। हम लोगों ने जो एंटी फंगल जो ऑइंटमेंट्स है वो फील्ड में दिए हुए हैं और हमारे यहाँ इस तरह के अगर पेशेंट्स आते हैं ई संजीवनी से हम उन पेशेंट्स को पीएल शर्मा हॉस्पिटल में डर्मेटोलॉजिस्ट से राय लेके उनको दवा देना सुनिश्चित करेंगे। उधर दिल्ली के कई इलाकों में बारिश से एक बार फिर जलभराव के हालात दिखाई दिए। बदरपुर, पटपड़गंज, विनोदनगर समेत कई इलाकों में हल्की बारिश के बाद एक बार फिर सड़कें लबालब भरी हुई दिखाई दी। बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया और लोगों को रास्तों से गुजरने में एक बार फिर मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।